तो मैं हूँ एनमैक्स सिंधी और आप देख रहे हैं मर्डर ऑफ कॉरेस का एपिसोड नंबर 10 का हिंदी एक्सप्लेन। ये एपिसोड लास्ट होने वाला है मर्डर ऑफ कॉरेस का और शायद से उसके बाद ओवर आ सकता है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर और इधर में लिखा जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग पर जहाँ पर कोसी उनके बाहर साफ सफाई कर रहा होता है और फिर में इतना को लिखा जाता है जो कि शायद से सारी रात जाग चुकी थी, इसी कारण से उसके आंखों के नीचे कुछ ब्लैक स्पॉट आ चुके थे। और इधर में लिखा जाता है वो एक चिप की तरह कुछ बनाती है कोसी के लिए और जब वो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसका काम होने वाला होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसे को ठंड लग रही होती है और सेम चिप धोकर दिखाया जाता है कोसी डूम के अंदर आ जाता है। इधर उन लोगों का न्यू ईयर आ चुका था जिस कारण से सब लोग खुश हो रहे होते हैं और जब कोसी सबको खाना सर्व लेता है और फिर वो बोलने लगता है मैं आप लोगों से मिलकर खुश हो चुका हूँ। और तभी वहाँ पर आ जाती है एथेना, तभी इन्होंने बोलती है एथेना को कोसी तो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन इधर कोसी बोलने लगता है मैं आप सबको ही पसंद करता हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे लगभग एक ईयर हो चुका है और मैं आपकी फैमिली बनकर बहुत खुश हुआ हूँ। ये बात सुनकर सारे लोग खुश होने लगते हैं और इधर में सिंसिव तो कर दिखाया जाता है इन्होंने अपनी पिगी बैंक से कुछ पैसे निकाल कर कोसी को देती है। इधर वो बोलती है आज तुम्हें शॉपिंग करोगे क्योंकि आज न्यू ईयर है, कुछ स्पेशल बनाना। और फिर इन्होंने बोलती है शायद से एथेना तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन एथेना बोलती है मैं आज नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ काम है। और फिर हमें दिखाया जाता है कोसी और किरिया एक साथ ही शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और इधर इतना उन लोगों को देखने लगती है। इधर वो बोलती है सॉरी कोसी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये बना रही हूँ, यानी कि शायद से वही हैंडकरचीफ की बातें वो बोल रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है शॉपिंग मार्ट पर जहाँ पर कोसी और किरिया एक साथ ही शॉपिंग करने लगते है, जहाँ पर कुछ कप नूडल्स को उठाती है क्योंकि कोसी बोलता है आज हम लोग कप नूडल्स नहीं खाएंगे, आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाला हूँ क्योंकि आज न्यू ईयर है। और फिर किरिया उसके बातों को सुनकर वो कप नूडल्स एक जगह पर रख देती है और इधर कोसी कुछ फिशेस की तरह केट को देखने लगता है क्योंकि उसे कुछ स्पेशल बनाना था। तभी किरिया कुछ अपने बारे में कोसी को बोलने लगती है कि शायद से वो कोसी को पसंद करने वाली थी, वो बात वो कोसी को बोलने वाली होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कोसी बेहोश होकर गिर जाता है और इधर में सिंसिप तो कर दिखाया जाता है एथेना को जो कि एक यानी कि वो एक चिप बना लेती है। ये देखकर वो खुश हो रही होती है तभी उस रूम के अंदर आ जाती है किरिया और इधर वो बोलती है मेरे साथ चलो बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। और उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल यानी कि मैं अकेले ही उस चैनल को ओन करता हूँ जिसका नेम है एनिमेक्स हिंदी, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मत भूलिएगा एनिमेक्स हिंदी सब्सक्राइब करना। बटे है बीच के अधूरे यानी कि आधा अधूरा एक्सप्लेनेशन के ऊपर जहाँ पर कोसी को दिखाया जाता है जो कि यानी कि उसे बहुत फीवर होता है यानी कि बुखार होता है। तभी ये सब देखकर एथेना को बहुत बुरा लगता है और इधर सारे लड़कियाँ होते हैं कोसी के पास और इधर वो लोग बहुत दुखी होते हैं कि आज न्यू ईयर था और इधर वो लोग कोसी के साथ एंजॉय करना चाहते थे। इधर कोसी का हालत बहुत बुरा होता है और तभी उसी रूम पर आ जाती है फ्री और इधर वो आकर कोसी को अपने यानी कि अपने दो कोसी के मुंह पर लगा देती है। और जब मेरे से कोसी बहुत शर्मा रहा होता है तभी एथेना उसे रोक लेती है यानी कि फ्री को रोक लेती है। तभी ना कोसी का थर्मामीटर से फीवर नापती है जहाँ पर उसे मिलता है कि वो बहुत ही उसे बहुत बुखार होता है। जब वो लोग बोलते हैं तुम थोड़ी देर सो जाओ और इधर में सिंसिप तो कर दिखाया जाता है नरो को प्लान बना रही होती है कोसी को ठीक करने का। डेवी फ्री बोलती है मैं नर्स बनूंगी और जब वो अपना कपड़ा चेंज कर लेती है लेकिन वहाँ पर सब कुछ दिखने लगता है उसका एथेना थकने लगती है उसके। और फिर हमें दिखाया जाता है किरिया भी कुछ सोचने लगती है जहाँ पर वो कुछ फलों को लेती है और जब वो एक कप पर वो अपने हाथ से वो फल तोड़ देती है जिसके कारण से उससे रस निकलने लगता है जो कि एक जूस की तरह हो जाता है। और ये सब देख रही होती है सेरिना और इधर वो अच्छे फ्रूट्स को वापस ले आती है और इधर किरिया यानी किरिया सब कुछ तोड़ कर वही एक कप पर डालने लगती है। तभी वो एक अलग सा फल ले लेती है जो कि बहुत खराब था जब सब लोग उसे रोकने लगते हैं। और इधर में सिंसिटो कर दिखाया जाता है स्वीटी को जो कि उसके रूम पर आ जाती है इधर वो बहुत दुखी होती है कोसी को लेकर और तभी वो कोसी का यानी कोसी के पास आकर बोलती है तुम नहीं मर सकते कोसी, लेकिन इधर कोसी मरा ही नहीं था तब वो ऐसे क्यों बोल रही थी वो तो उसे ही पता होगा। इधर कोसी समझने लगता है मुझे कुछ हुआ नहीं है, मुझे सिर्फ ठंड लग चुका है इसी कारण से मुझे बुखार आ चुका है। और फिर कोसी बोलने लगता है ये सिर्फ थोड़ा सा ही बुखार है। तभी कोसी बोलता है तुम्हें इस रूम से चले जाना चाहिए नहीं तो मेरा बुखार तुम्हारे पास भी आ जाएगा। और तभी कोसी का बात सुनकर स्वीटी बोलने लगती है
मेरे बारे में इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू अपने बारे में चिंता करो, तुम्हारा फीवर हुआ है यानी कि बुखार हुआ है, और इधर वो स्वीटी को जो कि उसका टेम्परेचर माप लेती है, और इधर भी पता चलता है कि उसे बहुत बुखार था जिसके कारण से स्वीटी को भी बहुत गर्मी लगती है क्योंकि उसे औरों से ज्यादा गर्मी लग गई थी। लेकिन कोसी का तो टेम्परेचर बहुत था, इसी कारण से उसे सारकुना गर्मी ज्यादा लगता है, और इधर वो इतना गर्मी को सहन नहीं कर पाती है, इसी कारण से वो वहां पर ही बेहोश हो जाती है, और इधर वो कुर्सी के ऊपर ही बेहोश हो जाती है जहाँ पर उस रूम के अंदर आ जाती है मिनरू और एथेना। लेकिन तो कुर्सी समझाने लगता है वो ये सब नहीं कर रहा था। तभी एथेना और मिनरू बोलने लगते है तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन शायद से उसे यानी कि स्वीटी को बहुत गर्मी लग चुका है इसी कारण से वो बेहोश हो चुकी है। वो एक अच्छी लड़की थी जो कि तुम्हारा फिक्र कर रही थी। फिर मिलकर जाए मिनरू और एथेना स्वीटी को वहां से ले जाते हैं क्योंकि नहीं तो कुर्सी का बुखार उसके ऊपर आ जाएगा। और इधर कुर्सी फिर से सुनने की कोशिश करता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास ही होती है फ्री। फ्री को लेकर कुर्सी सौंक जाता है और इधर मिलकर जाए फ्री कपड़ों को जो कि सारे कुछ दिख रहा था, और इधर कुर्सी को बहुत शर्म आ रही थी और फ्री भी शर्मा रही होती है। लेकिन इधर वो कुछ करने लगती है और तभी वहां पर आ जाती है एथेना, और इधर वो आकर बोलने लगती है तुम क्या कर रही हो, और इधर वो फ्री के पास आकर बोलने लगती है तुम क्या बच्चों की तरह डॉक्टर खेल रही हो। लेकिन इधर फ्री बोलने लगती है सच से तुम भी तब कोसी के साथ खेलना चाहती हो, और तभी तेना शर्माने लगती है। और फिर हमें दिखा जाता है उस रूम के अंदर आ जाती है किरिया, और इधर वो आकर बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाया है। लेकिन इधर सब लोग उसका ड्रिंक देख कर सॉफ्ट हो जाते हैं, और तभी एटना बोलती है किरिया तुम रुक जाओ वो ड्रिंक बहुत ही खराब होगा, तुमने सारे फ्रूट्स को मिला दिया होगा इसी कारण से वो इतना कुछ खराब हो चुका है। तभी हमें दिखा जाता है किरिया के हाथ से वो कप यानी कि जो ग्लास था वो स्लिप हो जाता है, और इधर वो कुर्सी के ऊपर ही गिरने वाला होता है। तभी एटना अपने हाथ से उस गिलास को रोक लेती है, और फिर हमें दिखा जाता है एटना के ऊपर ही वो सारा जूस गिर जाता है। इधर किरिया एटना से माफी मांगने लगती है, लेकिन इधर जब एटना अपने नीचे दिखती है तब उसे पता चलता है कि उसका तो उसके फेस पर लगा हुआ होता है, इसी कारण से उसे नाक से खून की ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहां पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर हमें दिखता है इरिया और फ्रे उसे बाहर ले जाते हैं, और इधर वो लोग एथेना को स्वीटी के पास ही लेटा देते हैं क्योंकि वो दोनों ही बेहोश हो चुके थे, और इधर वो लोग साफ सफाई करने की बात कर रहे होते हैं यानी कि फ्रे किरिया और मिनरू और सेलेना, और इधर मिल से कोसी को जो कि जाग चुका था, और इधर वो एक अलग सा रूम पर होता है और टीवी उस रूम पर फायर हो जाता है यानी कि आग लग जाती है, और ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन इधर में दिखा जाता है वो एक सपना दिख रहा होता है सच है वो अपने पहले वाला घर का सपना होगा, और जब कुर्सी अपने सपने से जाग चुका था तभी वो बाहर आकर देखता है जहाँ पर किरिया होती है, और इधर किरिया कुर्सी को देखकर उसे बोलती है मैं तुम्हारे कपड़ों को धो देती हूँ, और इधर वो कुर्सी के कपड़ों को खोलने लगती है जहाँ पर वो कुर्सी का पेन को भी खोल देती है जिसके कारण से उसे शर्म आती है। और फिर हमें देखते हैं कुर्सी बटर पर चला जाता है जहाँ पर वो देखता है वहां पर होती है फ्री और इधर से ना इधर वो लोग ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने थे इसी कारण से उसे बहुत शर्म आती है। लेकिन इधर वो देखता है कि यानी कि हमें क्या चाहता है कुर्सी को वो दोनों ही उठाकर ले जाते हैं, इधर कुर्सी नंगा होता है लेकिन वो लोग उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं, और इधर सेलेना और फ्रे को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी के सेवू करने लगती है, और इधर वो दोनों ही अपने वो दोनों से कुर्सी को नहाने यानी कि धुलाने लगते है, और इधर कुर्सी को बहुत शर्म आ रही होती है, और इधर में दिखा जाता है कि किरिया को और इधर वो कुर्सी का कपड़ों को देखने लगती है, और इधर वो बहुत शर्मा रही होती है। तभी वो एक कपड़े को सूंघने लगती है, तभी उसे बहुत शर्म आती है, और इधर वो सारे कपड़ों को इधर उधर मारने लगती है, और फिर वो बाहर जाकर देखता है यानी कि देखती है जहाँ पर कोसी वहां पर होता है, इसी कारण से कोसी को शर्मा रही होती है क्योंकि वो नंगा था। तभी किरिया अपने हाथों से वो सारे कपड़े यानी कि कोसी के सारे कपड़े दे देती है, और इधर देखता है कोसी का सारे कपड़े फट चुके थे और इधर वो कुछ अलग सा ही लग रहा था। फिर मेरे ख्याल से बाथरूम का सीन जहाँ पर जैने वो सारे कपड़ों को मारकर फाड़ दिया था जिसके कारण से वो सारे कपड़े यानी कोसी के सारे कपड़े फट चुके थे। लेकिन इधर कोसी बोलने लगता है इसे मुझे ठंड आ रही है मुझे गर्म लग रही थी इसी कारण से वो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कपड़े फाड़ गए है, और इधर वो किरिया को थैंक यू कहता है, और इधर वो बाहर चला जाता है काम करने के लिए। और फिर मेरे ख्याल से किरिया बोल रही होती है मुझे माफ कर देना, लेकिन कोसी बोलता है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और फिर की जाए ये बात सुनकर
वहां से चली जाती है और इधर मेरी क्या जाता है कोसी को, यानी कि कोसी साफ सफाई कर रहा होता है लेकिन इसे ठंड लग जाती है। इधर छोटे छोटे कपड़े पहनने का तो इसे ठंड तो लगेगी ही ना। और फिर हमें क्या जाता है एथेना को, जो कि कुछ खाना बनाती है, जैसे वो फ्राइड राइस बनाती है। तभी मिनरू उसके खाने को देखने लगती है और इधर छेना एक अंडे को लेने के लिए फ्रिज खोलती है, जहाँ पर सेना उसे देखने लगती है और इधर वो बोलती है अंडे का सेब कुछ मुंह की तरह लग रहा है, ये लगता है। इधर वो कुछ सोचने लगती है और फिर मिनरू को दिखाया जाता है जो कि फ्रिज में कुछ जोड़ने लगती है और इधर वो अपना एक्सपेरिमेंट दिखा दी है और उसका स्पेशल मिनरू सिजवान दिखाती है, जो कि एक सॉस तो नहीं लग रहा था, उसके जगह एक नाले से उठा हुआ पानी लग रहा था। कई सारे लोग सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन इधर मिनरू खुश हो रही होती है और इधर मेरे कोसी को बहुत ठंड लग रही होती है, नहीं होता है इसी कारण से वो उनके अंदर आ जाता है। और फिर वो देखता है कि मिनरू और इतना लड़े है और इधर वो उस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर हमें दिखा जाता है वो लोग लड़े होते, यानी कि मिनरू और इतना लड़े थे, इसके कारण से वो सिजवान सॉस उन सारे खानों पे गिर जाता है और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इधर मेरे जाए कोसी उन लोगों को देखता है जहाँ पर उन लोगों का कपड़े फट चुके थे और इधर कोसी उन लोगों को देख कर शर्मा जाता है। और इधर में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोसी को फिर से बुखार हो जाता है और ये सब देखकर सारे लोग टेंशन पर आ जाते हैं और जब इन लोग बोलने लगती है आज तो फ्यूचर था, इसी कारण से सारे हॉस्पिटल बंद रहेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो कल के लिए वेट करना पड़ेगा, किसी तरह से हमें कोसी को करना तो पड़ेगा ही। और तभी ऐसे नको ठीक जाता है जो कि बुरी होती है, मुझे माफ कर देना कोसी, मैंने जो सब कुछ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था, जिसे तुम बाहर काम करने के लिए नहीं चाहते और तुम्हें फिर से बुखार नहीं होता। और इधर इतना बोलती है सब कुछ मैं ही करूँगी, कोसी को मैं ख्याल रखूंगी। सारे लोग एटेना को देख कर बोलते हैं ठीक है तुम ही करो, क्योंकि एटेना कोसी को लेकर बहुत टेंशन में थी। और इधर में दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर एटेना कोसी के लिए एक पानी से एक पट्टी को पानी से डुबा कर उसके सर पर रख रही होती है और इधर में दिखता है मिनरू कुछ बुक को पढ़ रही होती है। और इधर फिर से दिखाया जाता है एटेना को जो कि उन कपड़ों से उस पट्टी को कोसी के ऊपर लगा देती है। और फिर हमें जैसे स्वीटी को जो कि जाने वाली होती है और इधर वो बोलती है कोसी का ख्याल रखना और इधर फिर बोलती है हाँ हम लोग जरूर रखेंगे, अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। और इधर मेरे जाए स्वीटी उस रूम से बाहर आ जाती है लेकिन इधर वो बहुत टेंशन में होती है। और इधर मेरे जाए फिर से एटेना को जो कि कोसी का ख्याल रख रही होती है तभी किरा उस रूम के अंदर आ जाती है। और इधर में टेंशन तो कर दिखा जाए सेना कुछ सोच रही होती है, यानी कि वो सोच रही होती है मैं अपने पावर्स भी यूज नहीं कर सकती कोसी को बचाने के लिए, यानी कि बुखार ठीक करने के लिए। और इधर हमें जैसे फिर से एथेना को जो कि कोसी का बुखार चेक कर रही होती है लेकिन इधर कोसी का बुखार कम नहीं हो रहा था। और इधर हमें दिखा जाता है उन लोगों के क्लॉक को जहाँ पर 3:24 हो चुके थे, यानी कि इससे पता चलता है कि एथेना सारी रात जग कर भी कोसी को ख्याल रख रही थी। और इधर हमें दिखता है एथेना सो रही होती है क्योंकि उसे नींद आ जाती है और तभी वो देखती है कोसी को फिर से। और इधर हमें जैसे कोसी का बुखार फिर से बढ़ चुका था और इसी कारण से एटेना फिर से एक पट्टी को कोसी के ऊपर रख देती है। इधर वो कोसी का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे याद है अभी भी हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब मुझे तुम पसंद नहीं था लेकिन तुम जब हम लोग मिलने लगे एक ही जगह रहने लगे तो मैं तुम्हें समझती रही, तुमने मुझे बहुत टाइम बचाया है जितना मैं नहीं सोच सकती, तुम बहुत ही अच्छे थे यानी कि अच्छे हो, इसी कारण से मैंने भी तुम्हें बहुत बार बचाने की कोशिश की लेकिन हमेशा ही तुम ही मेरा ख्याल रखते थे। और उस दिन जब हम लोग किस करने वाले थे और तभी वो कुछ सोच कर बोलती है वो सब कुछ बहुत ही अच्छा पल गया था कोसी के साथ मिला, उससे तुम इस डोम पर हो सारे लोग खुश है कोसी। इधर वो सच रोने लगती है और इधर में दिखा जाता है तो बहुत नींद आती है यानी कि एटेना को बहुत नींद आती है इसी कारण से वो कोसी के पास ही सो जाती है। और इधर में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोसी उठता है और इधर से उसका बुखार कम हो चुका था और इधर वो देखता है उसके पास ही सो रही होती है एटेना और इधर एटेना भी जाग जाती है। इधर वो कोसी को देखती है तभी दोनों ही दोनों को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कोसी फिर से काम पर लग जाता है और इधर वो बाहर का यानी कि डोंगे बाहर का साफ सफाई करने लगता है तभी वहाँ पर आ जाती है एटेना। इधर वो बोलती है आज कुछ काम नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम सिर्फ आराम करो आज। और इधर वो एक बैग को ले आती है और इधर वो कोसी को दे देती है और इधर वो बहुत शर्मा रही होती है। इधर वो बोलती है
मुझे नहीं लगता, यानी कि मुझे नहीं पता तुम्हें कि पसंद आया या नहीं। और टेवी कोसी देखता है, वहाँ पर दो ग्लव्स की तरह होते हैं। ये पाकर कोसी बोलता है, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ? इधर वो बोलती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। वजह कोसी वो दोनों पहनकर बहुत खुश होता है। इधर वो बोलता है, इससे तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और टेवी वहाँ पर आ जाती है, फ्रे और मिनरू, और इधर किरिया और सेरेना भी आ जाते हैं। जब सब लोग ही आ जाते हैं तभी स्वीटी का ही वेट था, यानी कि स्वीटी भी वहाँ पर आ जाती है। जब वो बोलती है, कोसी तुम अब ठीक हो? और जब मैं देखता है वो लोग बोलते हैं, हम लोग एक साथ कहीं पर जाने वाले होते हैं, कि वो लोग जाने वाले होते हैं। और ऐसे ही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसी उस डोम को देखने लगता है, और इधर वो सारे लोगों के साथ एक साथ ही जाने के लिए रेडी हो जाता है। उधर वो लोग एक ग्रुप की तरह फोटो को दिखाया जाता है, सारे लोग इधर बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही इस एपिसोड की यानी कि इस हैप्पी एंडिंग हो जाती है सीरीज की। और मत भूलिएगा एनिमेक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना। और मैं हूँ एनिमेक्स हिंदी, तो बाय।